नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे मोती सन्स के बारे में। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल प्राइस पे, छोटी प्राइस पे कंपनी मार्केट में आई थी और उसके बाद देखा तो 300 के ऊपर कंपनी ट्रेड किया। उसके बाद कंपनी में आफ्टर स्प्लिट हुआ, आप कह सकते हैं कि अभी ये कंपनी वापस 25-30 रुपए के आसपास चल रही है। आफ्टर स्प्लिट के बाद इस स्टॉक को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मोती सन्स के बारे में बताइए, इस स्टॉक को हमको जो है कि मतलब क्या करें, बाई करें या सेल करें, जो भी मतलब देखा जाए। तो अभी स्प्लिट के बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर का मतलब कि क्यूरीज भी है कि हो सकता है किसी के पोर्टफोलियो में इसका जो एडजस्टेड मतलब जो शेयर है दोस्तों वो अभी आया नहीं है। क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। हम आगे मोती सन्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, सबसे पहला क्यूरीज जो है उनका मतलब कि हमारे पोर्टफोलियो में अभी तक जो इसका मतलब स्प्लिट का शेयर है वो आया नहीं है। तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये सारा जो है कि 15 दिन के अंदर एडजस्ट हो जाता है, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और मेरे पॉइंट से देखा है तो आ भी गया होगा, किस किस के पोर्टफोलियो में अभी तक आया नहीं है, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड, अभी मैं इसी स्टॉक की बात करूँ तो आप देखते हैं कि 28.60 रुपये पर कंपनी ट्रेड हो रही, गैप अप की कंपनी आज के दिन मार्केट में ओपन होती है, लेकिन आखिरी क्षण में आप कह सकते हैं कि अचानक से इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती है। आफ्टर 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती है। गिरावट के पीछे का दोस्तों कोई खास रीजंस नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारा आज के दिन मतलब कि अगर मैं मार्केट की बात करूँ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो कि एक हाई पे जा करके आप कह सकते हैं कि उस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली, जिसके कारण इस स्टॉक में भी गिरावट, एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की एक महीने की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 5% है, हालांकि इसको अगर ऑल टाइम हाई से मतलब इसकी कैलकुलेट करेंगे जो कि एडजस्टेड है, फिर भी 12-15% की कंपनी अभी डाउन होते हुए दिख रही है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो 50% है और 1 साल की अगर बात करूँ तो 176% 200% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी ने आपके पैसे को जो है कि मतलब 2 गुना तो कर ही दिया है, 2 गुना क्या, 3 गुना आप कर सकते हैं, मतलब 100 रुपये आपका, 200 कंपनी का, 200% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसके रेट में अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, कंपनी करती क्या है, अगला कल्याण ज्वेलर्स बनेगी कि नहीं। देखिए दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करूँ, कल्याण ज्वेलर्स बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो कोई छोटी मोटी कंपनी, इसका जो बेसिकली काम क्या है, उसको ज्वेलरी से रिलेटेड काम है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मतलब जो सेल कंपनी क्या करती है, गोल्ड, डायमंड्स एंड कुंदन से रिलेटेड ज्वेलरीज कंपनी काम करती है, अदर ज्वेलरीज प्रोडक्ट भी है इनके पास, देखा है तो पर्ल, सिल्वर्स, प्लेटिनम से रिलेटेड कंपनी का काम देखने में, मेटल्स मतलब जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो मेनली बिजनेस कंपनी का क्या है कि एक आर्टिफिशियल मतलब एक अच्छा खासा प्रोडक्ट आपको गोल्ड, डायमंड्स भी मिक्स करके आपको एक कंपनी दे सकती है, मतलब एक अच्छा खासा डिज़ाइन से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। तो बेसिकली कंपनी का ये बिजनेस देखने को मिल जाता है। कंपनी सिर्फ 2800-3000 करोड़ का मार्केट कैप देखो, मतलब एक ये छोटी कंपनी है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। 66% जो कि स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है, उसके बाद कुछ कंपनी के ऊपर डेट भी देखने को मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर अगर आप कंपटीटर देखेंगे दोस्तों तो कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन की अगर बात करें तो ये दोनों कंपनी ना, देखो कल्याण ज्वेलर्स कभी टाइटन को मेरे हिसाब से टक्कर दे सकती है, और अगर मैं वहीं पे टाइटन की बात करूँ, टाइटन बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हो सकता है आने वाले समय में टाइटन के कभी सेल कम बढ़ेंगे तो कभी कल्याण ज्वेलर्स के बढ़ जाएंगे, हालांकि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर्स में कभी इन दोनों के सेल्स कम पड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि मोती सन्स के सेल्स बढ़ जाए, जिसके कारण मोती सन्स कुछ अच्छा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो भी रिटेल बाई करना चाहते हैं, डायरेक्टली रिकमेंडेशन मत लेना किसी भी चीज़ को, आप अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, इनके जो मेकिंग चार्ज है, इनके जो क्वालिटी है, थोड़ा हाई देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इनकी क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा मेरे पॉइंट से वीक लगते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, चाहे तो उनको कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन के मामले में इनको हो सकता है कोई टक्कर ना दे सके। हालांकि पहले नंबर और लास्ट नंबर की मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, चाहे टाइटन हो और चाहे वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो मोती सन्स भी देखा है तो अच्छा कंपनी देखने को मिल जाता है डिज़ाइन के मामले में। अभी तक किसी में कोई भी प्लेस देखने को मिलता है तो आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स अच्छे ही हुए हैं। हाँ, इनकी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखा जाए तो एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी के ईयर ऑन बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। लेकिन हाँ, अभी इसको टक्कर नहीं दिया तो हो सकता है दोस्तों, देखिए हमने आपको क्या बताया, छोटी कंपनी है तो थोड़ा सा मतलब कि अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। और ऐसे में अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है देखा है तो 66% है, जो कि अभी तक उनके पास 66% ही है। FIs के पास जितना भी स्टेक था उन्होंने सेलिंग कर दिया था, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कुछ बाई किया। वही पर अगर DIs की बात करूँ तो DIs ने भी पहले जितना स्टेक था कुल मतलब उन्होंने सेलिंग किया था, फिर अभी देखा है तो कुछ बढ़ाया, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा बचा हुआ स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है।
ऐसे में इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए दोस्तों मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। लेकिन हाँ, कंपनी की अगर बात करूँ तो अगर जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि हो सकता है कभी टाइटन कभी कल्याण ज्वेलर्स के सेल्स डाउन होंगे, तो इस स्टॉक के ऊपर आपको बेसिकली नज़र रखना है। नहीं तो आपको पता है दोस्तों कि इस समय राजेश एक्सपोर्ट को देखेंगे थोड़ा सा डाउन चल रहा है, मतलब थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा उस हिसाब से देखा जाए, मतलब मेरे पॉइंट से ऐसा मेरा मानना है, तो फिर इसके ऊपर आपको नज़र रखना है। अगर इस कंपनी के रिज़ल्ट ख़राब आते हैं तो उनके ऊपर आपको नज़र रखना है। अगर आपको देखिए आपको लगता है कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारा पैसा आप इसी में लगाइए। हाँ, आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब कि एक छोटा मोटा पार्ट्स आप लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली देखा है तो कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन के ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, ये मेरा मानना है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी आने वाले समय 25 रुपये तक आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो ओवरऑल अगर देखा तो मार्केट की सिचुएशन अच्छे रहेंगे तो कंपनी 30 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।